जो इच्छा हो मैं आपकी, खुल के बताइए, डरिए इस आराम से टेमलर आप। को एक संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने स्टैमरिंग को कभी भी छुपाए ना, वो एक्सेप्ट करना सीख लेंगे तो वो बहुत हद तक उसे कंट्रोल अपने आप वो पा लेंगे। और उसके बाद अगर 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होता है, लेकिन 99% इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ठीक करना है तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट लेना ही होगा। बहुत से डॉक्टर दवाई बताते हैं और भी कुछ कह देते हैं, लेकिन उन सब पे हमें कोई भी ध्यान नहीं देना है। वो सब फालतू के पैसे बर्बाद होंगे। अगर आपको ठीक होना है तो स्पीच थेरेपी ज़रूर लीजिए। आपने दवाई भी कुछ ली है क्या, यूज करें जिंदगी में? हम अपने ज़िंदगी में दवाई भी यूज किया है, 6 माह 1 साल दवाई, आयुर्वेदिक दवाई भी यूज किया है, लेकिन वो सब से कुछ नहीं होता है। वो सब फालतू के टाइम वेस्ट, पैसे बर्बाद हो जाना, यही सब। तो दवाई आपने लिए हैं, तो दवाई से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और कितने दिन दवाई खाए हैं? दवाई से कोई फायदा नहीं होता है और मेरे एक्सपीरियंस है कि नहीं होगा दवाई से कोई, क्यों नहीं होगा, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमने भी बहुत दवाई खाई है और एक डॉक्टर से नहीं, कई डॉक्टर से भी, कौन कौन सी लेकिन दवाई खाएं, आयुर्वेदा होम्योपैथी कौन कौन? आयुर्वेदा होम्योपैथिक बस यही, कितने दिन दवाई का यूज किए थे? अच्छा, 1 साल से भी ज़्यादा किया होगा। मतलब आपने 1 साल तक दवाई का यूज किए, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ा? कोई खास उससे हाँ। अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ का जो माहौल मिला तो अच्छा मिला कि बेकार मिला? कैसा माहौल यहाँ का यहाँ है? का माहौल अच्छा है, क्या क्या सपोर्ट मिला आपको यहाँ, माहौल से क्या फायदा हुआ है आपको? माहौल से यह फायदा होता है, चाहे वो स्टैमरिंग हो या एजुकेशन हो, कोई चीज़ में माहौल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। अगर यहाँ माहौल है तो अच्छा ही माहौल है। यहाँ सभी लोग अच्छे हैं, जो भी स्टूडेंट अभी आए हुए हैं उन सबसे मैंने बातचीत की, सबकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा है। वो सब स्टैमरिंग में ध्यान देना होगा, तभी ये ठीक होगा। आप कल माइक में भी बोल रहे थे, तो जब आप कल माइक में बोल रहे थे तो क्या फीलिंग आ रही थी आपको? मैं जब माइक में बोलने से पहले जो यहाँ के स्टूडेंट बोल रहे थे, तो मुझे उससे पहले थोड़ा घबराहट हो रही थी, जो लेवल ऑफ फियर, डर थोड़ा बढ़ गया। लेकिन जब मैंने माइक पकड़ा तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। एक टेक्निक है कि आप अगर माइक पकड़ते हैं तो पहले सारे लोग को जो बैठे हैं उन्हें अच्छे से देख ले और एक बार स्माइल दे दे, उसके बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले भी क्या आप माइक में कभी बात किए थे यहाँ आने के पहले? इसके पहले मैं माइक पे नहीं बातें किया था, थोड़ा बहुत किया था स्कूल में, किसी भी कॉमेडी पर्पस से या कुछ सॉन्ग, तो वो मैं पहले गया था जब मुझे स्टैमरिंग न के बराबर थी। स्टैमरिंग के बाद मैंने कोई भी स्टेज शो नहीं किया है। अब आप माइक में बोलते हैं तो अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि बेकार फीलिंग आती है? अब मैं माइक पे जाने से मुझे अच्छा लगने लगा और मैं खुश होता हूँ माइक पर जाके, और मैं चाहता हूँ भी कि अब मैं माइक पर जाऊँ, क्योंकि जो डर है वो सब खत्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।